बच्चों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे अग्न्याशय, इसमें हमने आपको इंसुलिन और जंतुओं से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स तथा पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा था पादपों में समन्वयन। आज और उसी के आगे आखिरी हेडिंग थी, उसका नाम था प्रकाशानुवर्तन। उसी के आगे आज दूसरी हेडिंग है जिसका नाम है गुरुत्वानुवर्तन। लिख लीजिए गुरुत्वानुवर्तन। देखिए, सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ना? और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की थी। कैसे की थी? वो एक बगीचे में बैठे हुए थे और वहाँ पर एक सेब गिरा। वैसे हम ही लोग खेलते हैं, गेंद को ऊपर फेंकते हैं, नीचे आती है, कभी ये नहीं सोचा होगा कि नीचे क्यों आती है। लेकिन न्यूटन बैठे हुए थे, उनके सामने एक सेब गिरा, तो उन्होंने कहा ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, वस्तु उसी की ओर खिंच जाती है। जैसे ऊपर आसमान में ऊपर वस्तु जैसे पतंग बहुत उड़ते उड़ते पतंग गायब हो जाती है, या पंछी कोई उड़ते उड़ते वहाँ अचानक पूरा गायब हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? वह ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऐसा है कि हम लोग नीचे का संपर्क है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जड़ें होती हैं वह नीचे की ओर भागती हैं, लेकिन उसका तना जो होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है, इसलिए वह कहाँ? ऊपर की ओर जाता है। बाकी सब कहाँ की ओर जाती है? नीचे की ओर। तो लिखेंगे गुरुत्वीय उद्दीपन की अनुक्रिया के फलस्वरूप, किसी भी लिखे हेडिंग में गुरुत्वीय उद्दीपन की अनुक्रिया के फलस्वरूप, गुरुत्वीय उद्दीपन की अनुक्रिया के फलस्वरूप पादप की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन तथा इससे संबंधित गति को गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे पादप की जड़ें गुरुत्व दिशा में वृद्धि करती हैं, जबकि प्रारोह गुरुत्व की दिशा के विपरीत वृद्धि करता है। कैसे? देखो, मान लो ये गमला रखा हुआ है वहां पर, ठीक है, और इसमें क्या लगा है? पादप लगा है। और इसमें क्या निकली हुई है? जड़ें निकली हैं।
विपरीत जाना है। यदि हम गमले को इस तरीके से कर दें, पलट दें, तो क्या होगा? ये सीधे की ओर जाएगा? ये नहीं, सीधा नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा? ऐसे। तो ये कैसे वृद्धि करने लगेगा? इस तरह। ठीक है, और इसकी जो जड़े हैं जो अभी कैसी थी, सीधी, और ये जड़े कैसी करने लगेगी वृद्धि? नीचे की ओर। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या करता है, ये ऊपर की ओर जाता है और ये गुरुत्व के कारण नीचे की ओर जाती है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वानुवर्तन क्या है। आगे लिखें, कहां तक लिखा है आपने? उदाहरण हो चुका है, जैसे मैं आपने ये उदाहरण देख लिया कि जैसे अगर यदि गमले में पादप को हम लगा देते हैं तो पादप का जो पुष्पीय भाग है यानी कि प्रारोह वाला भाग है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो जड़ों वाला भाग है वो नीचे की ओर वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर जाता है। यदि हम इसे झुका देते हैं फिर भी वह कहाँ की ओर जाएगा? विपरीत ही चलेगा जैसे वह चल रहा है। तो ये आपका गुरुत्वानुवर्तन हो गया। अगली हेडिंग डालेंगे जलानुवर्तन। जलानुवर्तन जलानुवर्तन हाइड्रोप्रोपिज्म, जलानुवर्तन हाइड्रोप्रोपिज्म में लिखेंगे, पादप या पादप अंगों की, पादप अंगों की रासायनिक उद्दीपनों की अनुक्रिया, अंगों की रासायनिक उद्दीपनों की अनुक्रिया फलस्वरूप वृद्धि को, अनुक्रिया फलस्वरूप वृद्धि को रसायनुवर्तन कहते हैं। वृद्धि को रसायनुवर्तन कहते हैं। क्योंकि परागकण नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि, नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि रसायनुवर्तन है। वृद्धि रसायनुवर्तन है। समझ में आया आपको? जलानुवर्तन क्या है? समझ में आया कि पादप या पादप अंगों की बाह्य जल उद्दीपन की अनुक्रिया थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, डेफिनेशन चेंज हो गई है। क्या लिखा आपने? पादप या पादप अंगों की रासायनिक, यही लिखा है ना? तो जो जलानुवर्तन है उस हेडिंग को खाली चेंज कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए रसायनुवर्तन। ठीक है, इसे रसायनुवर्तन कर दीजिए। ये रसायनुवर्तन की डेफिनेशन हो गई है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि पादप या पादप अंगों की रासायनिक उद्दीपनों की अनुक्रिया फलस्वरूप वृद्धि को रसायनुवर्तन कहते हैं। परागकण नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि रसायनुवर्तन है। तो समझ में आया कि जो इसमें परागकण निकलते हैं वह बीजांड की ओर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? रासायनिक क्रिया के कारण होता है, इसलिए इसे रसायनुवर्तन कहते हैं। अब आप लिखेंगे जलानुवर्तन। अब आप लिखिए जलानुवर्तन।
जिसे कहते हैं हाइड्रो ट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जलानुवर्तन। इस लिख लीजिए, लिखिए पादप या पादप अंगों की, पादप या पादप अंगों की बाह्य जल उद्दीपन की अनुक्रिया, पादप या पादप अंगों की बाह्य जल उद्दीपन की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, उद्दीपन की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप वृद्धि को, परिणाम स्वरूप वृद्धि को जलानुवर्तन कहते हैं, वृद्धि को जलानुवर्तन कहते हैं तथा इससे संबंधित गति को, तथा इससे संबंधित गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं, तथा इससे संबंधित गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं। तो समझ में आया ये कि पादप या पादप अंगों की बाह्य जल उद्दीपन, देखिए बाह्य जल उद्दीपन होता है, हम लोग पानी देते हैं पादपों में तो क्या उसको खोद के देते हैं या उसमें गड्ढा करके डालते हैं या उसमें छेद कर देते हैं फिर पानी डालते हैं, डालते हैं नहीं, सिर्फ ऐसे ही पानी उसके ऊपर डाल देते हैं तो बाह्य उद्दीपन हो रहा है उसमें, इसकी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप वृद्धि को जलानुवर्तन कहते हैं। और वो क्या, जल का, जल कहाँ चला जाता है, नीचे, और उसमें क्या होती है फिर वृद्धि, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। ठीक है, अब लिखिए अगली हेडिंग है स्पर्शानुवर्तन, 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 स्पर्शानुवर्तन जिसे कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म। इसमें लिखिए ये अनुवर्तन पादप के किसी, ये अनुवर्तन पादप के किसी दूसरे पादप, पादप के किसी दूसरे पादप या प्रतान की सहायता से, या प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं जब ये पादप किसी के संपर्क में, जब ये पादप किसी के संपर्क में आते हैं, तो प्रतान का वह भाग, तो प्रतान का वह भाग तीव्रता से वृद्धि नहीं करता तथा वह उसे जकड़ कर पकड़ लेता है, तथा वह उसे जकड़ कर पकड़ लेता है और ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पादप जो क्या हैं, दूसरी चीज़ों को सहारा प्रदान कर देते हैं तुरंत, खंभा हुआ, दीवारें हुई, छप्पर हुआ, तुरंत क्या करते हैं उस पर चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो इस क्या है, स्पर्शानु, जैसे ही उन्हें किसी चीज़ का स्पर्श मिला और क्या करते, जैसे स्पर्श मिला तुरंत उस पर चढ़ गए उसे पकड़ के, है ना, तो उसे जकड़ के, इतना जकड़ के पकड़ते हैं कि चाहे हवा चले आंधी आए तो टूट के गिरते हैं नीचे, नहीं गिरते, उस पर लटके ही रहते हैं, हिलते रहते हैं, लटके रहते, इतने जकड़े हुए पकड़े रहते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया गुरुत्वानुवर्तन के पूरे ये भाग थे, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन।
ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे रासायनिक समन्वयन पादप हार्मोन्स। हेडिंग न्यू हेडिंग है रासायनिक समन्वयन पादप हार्मोन्स। रासायनिक समन्वयन पादप हार्मोन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट हार्मोन्स नोट कर लीजिए इसे। देखिए पादपों में भी हार्मोन्स होते हैं, होते कि नहीं है ना, जिसके कारण क्या होते हैं उनकी लाइफ भी बनी होती है, जीवन होता है उनमें और हम लोगों से ज़्यादा जीवन होता है। लेकिन इनमें भी कई वर्षीय पादप होते हैं, कोई 3 माह पादप होता है, कोई 1 माह पादप होता है, कोई 6 माह पादप होता है, कोई 1 वर्षीय होता है, कोई 5 वर्षीय होता है, कोई 10 वर्षीय होता है, कोई 50 वर्षीय होता है तथा कोई सैकड़ों वर्षीय होता है। जैसे बरगद है, पीपल है, इनकी आयु कितनी है 2000 वर्ष। पीपल की आयु 2000 वर्ष है, बरगद पीपल की, ये लंबी आयु वाले पादप हैं। जैसे गुलाब है तो वो 1 वर्षीय है, जैसे धान है, गेहूं है, तो ये कैसे हैं, सिर्फ 4 माह या 5 माह वाले। अगर आप इन्हें नहीं काटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो इनकी आयु सिर्फ इतनी ही होती है। तो चलिए इसमें लिखें पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं। पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के किसी भी एक भाग में बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। पौधे के किसी भी एक भाग में बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं तथा वहाँ से पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर विभिन्न कार्यकी क्रियाओं पर विशिष्ट विधि से प्रभाव डालते हैं। ये थोड़ी मात्रा में ही क्रियाशील होते हैं। कुछ पदार्थ वृद्धि करने में सहायता करते हैं। कुछ पदार्थ वृद्धि करने में
सहायता करते हैं, लेकिन यही पदार्थ वृद्धि को रोक भी देते हैं, लेकिन यही पदार्थ वृद्धि को रोक भी देते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, पादप हार्मोन्स निम्न प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन्स निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वृद्धि सहायक हार्मोन। नंबर एक, वृद्धि सहायक हार्मोन्स। अब वृद्धि सहायक में होता क्या क्या है? इसमें क्या क्या होता है? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स तथा साइटोकाइनिन, तथा साइटोकाइनिन। देखिए ये होता है किसमें? वृद्धि सहायक हार्मोन में। क्या? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स तथा साइटोकाइनिन्स। दूसरे लिखेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स। वृद्धि रोधक यानी कि वृद्धि को रोक रहा है हार्मोन्स, प्रतिरोधक हार्मोन्स। इसमें क्या क्या होता है? एविसिक्स अम्ल, एविसिक्स अम्ल, कॉमा एथिलीन, एथिलीन। ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं। कौन कौन से? एविसिक अम्ल और एथिलीन। रोक लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। यही पर आपका ये समाप्त भी होता है। कल इसके आगे का पाठ हम आपको पढ़ाएंगे।